खिजर ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुमसे मेरे साथ सब्र नहीं हो सकेगा? उन्होंने कहा कि अगर मैं इसके बाद फिर कोई बात पूछूं यानी एतराज करूं तो मुझे अपने साथ न रखिएगा, कि आप मेरी तरफ से उज्र के कबूल करने में हद को पहुंच गए हैं। फिर दोनों चले, यहां तक कि गांव वालों के पास पहुंचे और उनसे खाना तलब किया। उन्होंने उनकी जियाफत करने से इनकार किया। फिर उन्होंने वहां एक दीवार देखी जो गिरा चाहती थी, तो खिजर ने उसको सीधा कर दिया। मूसा ने कहा कि अगर आप चाहते तो इनसे इसका मुआवजा ले लेते ताकि खाने का काम चलता। खिजर ने कहा कि अब मुझ में और तुम में अलाहदगी, मगर जिन बातों पर तुम सब्र न कर सके मैं उनका तुम्हें भेद बताए देता हूं कि वो जो कश्ती थी गरीब लोगों की थी, जो दरिया में मेहनत करके यानी कश्तियां चलाकर गुजारा करते थे, और उनके सामने की तरफ एक बादशाह था जो हर अच्छी कश्ती को जबरदस्ती छीन लेता था, तो मैंने चाहा कि उसे ऐबदार कर दूं ताकि वो उसे गस्ब न कर सके। और वो जो लड़का था उसके माँ बाप दोनों मोमिन थे, हमें अंदेशा हुआ कि वो बड़ा होकर बद किरदार होगा तो कहीं उनको सरकशी और कुफ्र में ना फंसा दे, तो हमने चाहा कि उनका परवरदिगार उसकी जगह उनको और बच्चा अता फरमाए जो अखलाकी पाकिजगी में बेहतर और मोहब्बत में ज्यादा करीब हो। और वो जो दीवार थी सो दो यतीम लड़कों की थी जो शहर में रहते थे, और उसके नीचे उनका खजाना दफन था, और उनका बाप एक नेक आदमी था, तो तुम्हारे परवरदिगार ने चाहा कि वो अपनी जवानी को पहुंच जाएं और फिर अपना खजाना निकालें। ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी है, और ये काम मैंने अपनी तरफ से नहीं किए, ये उन बातों की हकीकत है जिन पर तुम सब्र न कर सके। और तुमसे ज़ुल्करनैन के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मैं उसका किसी कदर हाल तुम्हें पढ़कर सुनाता हूं। हमने उसको जमीन में बड़ा इक्तदार दिया था और हर तरह का सामान उसको अता किया था, तो उसने एक सफर का सामान किया, यहां तक कि जब सूरज के गुरूब होने की जगह पहुंचा तो उसे ऐसा पाया कि एक कीचड़ वाले चश्मे में डूब रहा है, और उस चश्मे के पास एक कौम देखी। हमने कहा, ज़ुल्करनैन, तुम इनको खा तकलीफ दो खा इनके बारे में भलाई इख्तियार करो, दोनों बातों की तुमको कुदरत है। ज़ुल्करनैन ने कहा कि जो कुफ्र बदकिरदारी से जुल्म करेगा उसे हम सजा देंगे, फिर वो अपने परवरदिगार की तरफ लौटाया जाएगा तो वो भी उसे बड़ा अजाब देगा, और जो ईमान लाएगा और अमल नेक करेगा उसके लिए बहुत अच्छा बदला है, और हम अपने मामले में उससे नर्म बात कहेंगे। फिर उसने एक और सामान्य सफर किया, यहां तक कि सूरज के तुलू होने के मकाम पर पहुंचा तो देखा कि वो ऐसे लोगों पर तुलू होता है जिनके लिए हमने धूप से बचाव की कोई ओट नहीं बनाई थी, हकीकत यूं ही थी, और जो कुछ उसके पास था हमको सबकी खबर थी। फिर उसने एक और सफर का सामान किया, यहां तक कि दो ऊंचे सीधे पहाड़ों के दरमियान पहुंचा तो देखा कि उनके उस तरफ कुछ लोग हैं कि बात को समझ नहीं सकते। उन लोगों ने कहा कि ऐ ज़ुल्करनैन, याजूज और माजूज इस इलाके में फसाद करते रहते हैं, भला हम आपके लिए खर्च का इंतजाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार खींच दें। ज़ुल्करनैन ने कहा कि खर्च का जो मकदूर अल्लाह ने मुझे बख्शा है वो बहुत अच्छा है, तुम मुझे कुव्वत बाजू से मदद दो, मैं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत रुकावट बना दूंगा। तुम लोहे के बड़े बड़े तख्ते मेरे पास लाओ। चुनाचे काम जारी कर दिया गया, यहां तक कि जब उसने दोनों पहाड़ों के दरमियान का हिस्सा बराबर कर दिया और कहा कि अब इसे धोको, यहां तक कि जब उसको धोंक धोंक कर आग कर दिया तो कहा कि अब मेरे पास तांबा लाओ कि उस पर पिघला कर डाल दूं। फिर उनमें यह कुदरत न रही कि उस पर चढ़ सकें और न ये ताकत रही कि उसमें नकब लगा सकें। बोला कि ये मेरे परवरदिगार की मेहरबानी है, फिर जब मेरे परवरदिगार का वादा आ पहुंचेगा तो उसको ढाकर हमवार कर देगा, और मेरे परवरदिगार का वादा सच्चा है। उस रोज हम उनको छोड़ देंगे कि रूए जमीन पर फैल कर एक दूसरे में घुस जाएंगे, और सूर फूंका जाएगा तो हम सबको जमा कर लेंगे, और उस रोज हम जहन्नम को काफिरों के सामने लाएंगे, जिनकी आंखें मेरी याद से पर्दे में थीं और वह सुनने की ताकत नहीं रखते थे। अब क्या काफिर ये ख्याल करते हैं कि वो मेरे बंदों को मेरे सिवा अपना कारसाज बनाएंगे तो मैं खफा नहीं होऊंगा? हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम की मेहमानी तैयार कर रखी है। कह दो कि हम तुम्हें ऐसे लोग बताएं जो आमाल के लिहाज से बड़े नुकसान में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी दौड़ धूप दुनिया की जिंदगी में बर्बाद हो गई, और वो ये समझे हुए हैं कि वो अच्छे काम कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने परवरदिगार की आयतों को न माना
और उसके सामने जाने से इनकार किया तो उनके आमाल जाया हो गए। सो हम कयामत के दिन उनके लिए कुछ भी वजन कायम नहीं करेंगे। ये उनकी सजा है यानी जहन्नम, इसलिए कि उन्होंने कुफ्र किया और हमारी आयतों और हमारे पैगंबरों की हंसी उड़ाई। जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए उनके लिए बहिश्त के बाग बतौर मेहमानी होंगे, हमेशा उनमें रहेंगे और वहां से मकान बदलना न चाहेंगे। कह दो कि अगर समंदर मेरे परवरदिगार की बातों के लिखने के लिए रोशनाई हो तो कबल इसके कि मेरे परवरदिगार की बातें तमाम हों समंदर खत्म हो जाए, अगरचे हम वैसा ही और उसकी मदद को लाएं। कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं, अलबत्ता मेरी तरफ वही आती है कि तुम्हारा माबूद वही एक माबूद है। तो जो शख्स अपने परवरदिगार से मिलने की उम्मीद रखे चाहिए कि अमल नेक करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को शरीक ना बनाए। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। काफ हा या आईन सौद, ये तुम्हारे परवरदिगार की मेहरबानी का बयान है जो उसने अपने बंदे जकरिया पर की थी, जब उन्होंने अपने परवरदिगार को दबी आवाज से पुकारा और कहा कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी हड्डियां बुढ़ापे के सबब कमजोर हो गई हैं और सर सफेद बालों की वजह से चमकने लगा है, और ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझसे मांग कर कभी महरूम नहीं रहा और मैं अपने बाद अपने भाई बंदों से डरता हूं और मेरी बीवी बांझ है, फिर भी मुझे अपने पास से एक वारिस अता फरमा जो मेरी और औलाद याकूब की मीरास का मालिक हो, और ऐ मेरे परवरदिगार उसको खुश अखलाक बनाइयो। फरमाया ऐ जकरिया, हम तुमको एक लड़के की बिशारत देते हैं जिसका नाम याहिया होगा, इससे पहले हमने उस नाम का कोई शख्स पैदा नहीं किया। उन्होंने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहां किस तरह लड़का होगा जबकि मेरी बीवी बांझ है और मैं बुढ़ापे की इस हालत को पहुंच गया कि सूख गया हूं। हुक्म हुआ कि इसी तरह होगा। तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि मुझे ये आसान है और मैं पहले तुमको भी तो पैदा कर चुका हूं और तुम कुछ चीज न थे। कहा कि परवरदिगार, मेरे लिए कोई निशानी मुकर्रर फरमा। फरमाया निशानी ये है कि तुम सही और सालिम होते हुए 3 रात दिन लोगों से बात न कर सकोगे। फिर वो इबादत के हुजरे से निकलकर अपनी कौम के पास आए तो उनसे इशारे से कहा कि सुबह शाम तस्बीह करते रहो। फरमाया ऐ याहिया, हमारी किताब को मजबूती से थामे रहो, और हमने उनको लड़कपन ही में दानाई अता फरमाई थी और अपने पास से शफकत और पाकीजगी दी थी, और वो परहेजगार थे और वो अपने माँ बाप के साथ नेकी करने वाले थे और सरकश और नाफरमान नहीं थे, और जिस दिन वो पैदा हुए और जिस दिन वफात पाएंगे और जिस दिन जिंदा करके उठाए जाएंगे उन पर सलाम है। और किताब यानी कुरान में मरियम का भी तस्करा करो, जब वो अपने लोगों से अलग होकर मकान के मशरिकी हिस्से में चली गईं, फिर उन्होंने उनकी तरफ से पर्दा कर लिया तो हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा, सो वो उनके सामने एक खूबसूरत मर्द की सूरत में आया। मरियम बोली कि अगर तुम परहेजगार हो तो मैं तुमसे बचने के लिए रहमान की पनाह लेती हूँ। फरिश्ते ने कहा कि मैं तो तुम्हारे परवरदिगार का भेजा हुआ यानी फरिश्ता हूँ और इसलिए आया हूँ कि तुम्हें पाकीजा लड़का बख्शूं। मरियम ने कहा कि मेरे यहां लड़का क्यों कर होगा जबकि मुझे किसी मर्द ने बतौर शौहर छुआ तक नहीं और मैं बदकार भी नहीं हूं। फरिश्ते ने कहा कि यूं ही होगा, तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया कि यह मुझे आसान है और मैं इसे इसी तरीक पर पैदा करूंगा ताकि इसको हम लोगों के लिए अपनी तरफ से निशानी और जरिया रहमत बनाएं, और ये काम मुकर्रर हो चुका है। चुनाचे वो उस बच्चे के साथ हामिला हो गई और उसे लेकर एक दूर जगह चली गई। फिर दर्द जह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया, कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। तब उनके टीले के नीचे की जानिब से फरिश्ते ने उनको आवाज दी कि गमनाक न हो, तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारे नीचे एक चश्मा पैदा कर दिया है और खजूर के तने को पकड़कर अपनी तरफ हिलाओ, वो तुम पर ताजा उम्दा खजूरें गिराएगा, तो खाओ और पियो और आंखें ठंडी करो। अगर तुम किसी आदमी को देखो तो कहना कि मैंने अल्लाह के लिए रोजे की मन्नत मानी, तो आज मैं किसी आदमी से हरगिज कलाम नहीं करूंगी। फिर वो उस बच्चे को उठाकर अपनी बिरादरी वालों के पास ले आई। वो कहने लगे कि मरियम, ये तो तूने बुरा काम किया। ऐ हारून की बहन, न तो तेरा बाप ही बुरा आदमी था और न तेरी मां ही बदकार थी। तो मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे के गोद का बच्चा है कैसे बात करें। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूं, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है,
और मैं जहां हूं और जिस हाल में हूं उसने मुझे साहिब बरकत बनाया है, और जब तक जिंदा हूं मुझको नमाज और जकात का इरशाद फरमाया है, और मुझे अपनी मां के साथ नेक सुलूक करने वाला बनाया है और सरकश और बदबख्त नहीं बनाया, और जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम है। ये मरियम के बेटे ईसा हैं, और ये सच्ची बात है जिसमें लोग शक करते हैं। अल्लाह को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए, वो पाक है, जब किसी चीज का इरादा करता है तो उसको यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाती है। और बेशक अल्लाह ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। फिर अहले किताब के फिरकों ने बाहम इख्तिलाफ किया, सो जो लोग काफिर हुए हैं उनको बड़े दिन यानी कयामत के रोज हाजिर होने से खराबी है। वो जिस दिन हमारे सामने आएंगे कैसे सुनने वाले और कैसे देखने वाले होंगे, मगर जालिम आज खुली गुमराही में है। और उनको हसरत व अफसोस के दिन से डरा दो जब बात फैसल कर दी जाएगी और वो गफलत में पड़े हुए हैं और ईमान नहीं लाते। हम ही जमीन के और जो लोग उस पर बसते हैं उनके वारिस होंगे, और हमारी ही तरफ उनको लौटना होगा। और किताब में इब्राहिम का जिक्र करो, बेशक वो निहायत सच्चे थे, पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा आप ऐसी चीजों को क्यों पूछते हैं जो न सुने और न देखें और न आपके कुछ काम आ सकें, अब्बा मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, तो मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर ले चलूंगा। अब्बा शैतान की पूजा न कीजिए, बेशक शैतान अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा मुझे डर लगता है कि आपको अल्लाह का अजाब आ पकड़े तो आप शैतान के साथ ही हो जाएं। उसने कहा कि इब्राहिम क्या तू मेरे माबूदों के खिलाफ है? अगर तू बाज ना आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने सलाम अलैकुम कहा और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है। और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारा करते हैं उनसे किनारा करता हूं और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। उम्मीद है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। और जब इब्राहिम उन लोगों से और जिनकी वो अल्लाह के सिवा परस्तिश करते थे अलग हो गए, तो हमने उनको इसहाक और इसहाक को याकूब बख्शे और हर एक को पैगंबर बनाया, और हमने उनको अपनी रहमत से बहुत सी चीजें इनायत की और उनका जिक्र जमील बुलंद किया। और किताब में मूसा का भी जिक्र करो, बेशक वो हमारे बरगुजीदा थे और रसूल थे, नबी थे, और हमने उनको तूर की दाहिनी तरफ से पुकारा और बातें करने के लिए नजदीक बुलाया, और अपनी मेहरबानी से उनको उनका भाई हारून पैगंबर बनाकर अता किया। और किताब में इस्माइल का भी जिक्र करो, वो वादे के सच्चे और रसूल थे, नबी थे, और वो अपने घर वालों को नमाज और जकात का हुक्म करते थे और अपने परवरदिगार के यहां पसंदीदा थे। और किताब में इदरीस का भी जिक्र करो, वो भी निहायत सच्चे थे, नबी थे, और हमने उनको ऊंची जगह उठा लिया था। ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ने अपने पैगंबरों में से फजल किया, यानी औलाद आदम में से, और उन लोगों में से जिनको हमने नूह के साथ कश्ती में सवार किया, और इब्राहिम और याकूब की औलाद में से, और उन लोगों में से जिनको हमने हिदायत दी और जिन्हें बरगुजीदा किया। जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती थीं, तो सजदे में गिर पड़ते और रोते रहते थे। फिर उनके बाद चंद नाखलफ उनके जानशी हुए जिन्होंने नमाज को जाया कर दिया और ख्वाहिशात नफसानी के पीछे लग गए, सो अन करीब उनको गुमराही की सजा मिलेगी। हां जिसने तौबा की और ईमान लाया और अमल नेक किए, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे और उनका जरा नुकसान न किया जाएगा, यानी हमेशा की बहिश्तों में, जिसका अल्लाह ने अपने बंदों से वादा किया है कि जो उनकी आंखों से पोशीदा है, बेशक इसका वादा नेकुकारों के सामने आने वाला है। वो इसमें सलाम के सिवा कोई बेहुदा कलाम न सुनेंगे और उनको सुबह शाम खाना मिलेगा। यही वो जन्नत है जिसका हम अपने बंदों में से ऐसे शख्स को मालिक बनाएंगे जो परहेजगार होगा। और फरिश्तों ने पैगंबर को जवाब दिया कि हम तुम्हारे परवरदिगार के हुक्म के सिवा उतर नहीं सकते, जो कुछ हमारे आगे है और जो पीछे है और जो इसके दरमियान है सब उसी का है, और तुम्हारा परवरदिगार भूलने वाला नहीं, यानी आसमान और जमीन का और जो इन दोनों के दरमियान है सब का परवरदिगार, तो उसी की इबादत करो और उसकी इबादत पर साबित कदम रहो। भला तुम कोई उसका हम नाम जानते हो? और काफिर इंसान कहता है कि जब मैं मर जाऊंगा तो क्या जिंदा करके निकाला जाऊंगा?
क्या ऐसा इंसान याद नहीं करता कि हमने उसको पहले भी तो पैदा किया था जबकि वो कुछ भी चीज न था। सो तुम्हारे परवरदिगार की कसम, हम इनको जमा करेंगे और शैतानों को भी, फिर इन सबको जहन्नम के गिर्द हाजिर करेंगे और वो घुटनों पर गिरे हुए होंगे। फिर हर गिरोह में से हम ऐसे लोगों को खींच निकालेंगे जो रहमान के मुकाबले में सख्त सरकशी करते थे। फिर हम उन लोगों से खूब वाकिफ हैं जो उसमें दाखिल होने के ज्यादा लायक हैं। और तुम में से कोई शख्स नहीं मगर उसे इस पर गुजरना होगा, ये तुम्हारे परवरदिगार पर लाजिम है, मुकर्रर है। फिर हम परहेजगारों को नजात देंगे और जालिमों को उसमें घुटनों के बल पड़ा हुआ छोड़ देंगे। और जब उन लोगों के सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं तो जो काफिर हैं वो मोमिनों से कहते हैं कि दोनों फरीक में से मकान किसके अच्छे और मजलिसें किसकी बेहतर हैं। और हमने इनसे पहले बहुत सी उम्मतें हलाक कर दी, वो लोग इनसे ठाट बाट और नमूद नुमाइश में कहीं अच्छे थे। कह दो कि जो शख्स गुमराही में पड़ा हुआ है, रहमान उसको आहिस्ता आहिस्ता मोहलत दिया जाता है, यहां तक कि जब उस चीज को देख लेंगे जिसका इनसे वादा किया जाता है, खा अजाब और खा कयामत, तो उस वक्त जान लेंगे कि मकान किसका बुरा है और लश्कर किसका कमजोर है। और जो लोग हिदायत याब हैं, अल्लाह उनको ज्यादा हिदायत देता है, और नेकियां जो बाकी रहने वाली हैं वो तुम्हारे परवरदिगार के यहां सिले के लिहाज से खूब और अंजाम के एतबार से बेहतर हैं। भला तुमने उस शख्स को देखा जिसने हमारी आयतों से कुफ्र किया और कहने लगा कि अगर मैं असर-ए-नौ जिंदा हुआ भी तो यही माल और औलाद मुझे वहां मिलेगा? क्या उसने गैब की खबर पाली है या अल्लाह के यहां से अहद ले लिया है? हरगिज नहीं, ये जो कुछ कहता है हम उसको लिखते जाते और उसके लिए आहिस्ता आहिस्ता अजाब बढ़ाते जाते हैं, और जो चीजें ये बताता है उनके हम वारिस होंगे, और ये अकेला हमारे सामने आएगा। और उन लोगों ने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं ताकि वो उनके लिए मूजिब इज्जत हों। हरगिज नहीं, वो माबूद उनकी परस्तिश से इनकार करेंगे और उनके दुश्मनों मुखालिफ होंगे। क्या तुमने नहीं देखा कि हमने शैतानों को काफिरों पर छोड़ रखा है कि वो उनको खूब उकसाते रहती हैं? तो तुम उन पर अजाब के लिए जल्दी ना करो कि हम तो उनके लिए दिन शुमार कर रहे हैं। जिस रोज हम परहेजगारों को रहमान के सामने बतौर मेहमान जमा करेंगे और गुनहगारों को दोजख की तरफ प्यासे हांक ले जाएंगे, तो लोग किसी की सिफारिश का इख्तियार न रखेंगे मगर जिसने रहमान से इकरार ले लिया हो। और कहते हैं कि रहमान बेटा रखता है, ऐसा कहने वालों ये तो तुम बुरी बात जबान पर लाते हो। करीब है कि इस झूठ से आसमान फट पड़े और जमीन शक हो जाए और पहाड़ पारा पारा होकर गिर पड़े कि इन्होंने रहमान के लिए बेटा तजवीज किया। और रहमान को शाया नहीं कि किसी को बेटा बनाए, हर शख्स जो आसमानों और जमीन में है रहमान के रूबरू बतौर बंदा ही आएगा। उसने इन सब को अपने इल्म से घेर रखा और एक एक को शुमार कर रखा है, और ये सब कयामत के दिन उसके सामने अकेले अकेले हाजिर होंगे। और जो लोग ईमान लाए और अमल नेक किए, रहमान उनकी मोहब्बत मखलूकात के दिल में पैदा कर देगा। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने ये कुरान तुम्हारी जबान में आसान बनाकर नाजिल किया है ताकि तुम इससे परहेजगारों को खुशखबरी पहुंचा दो और झगड़ालुओं को डर सुना दो। और हमने इनसे पहले बहुत से गिरोहों को हलाक कर दिया है, भला तुम इनमें से किसी को देखते हो या कहीं इनकी भिनक सुनते हो? शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पाहा, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, हमने तुम पर कुरान इसलिए नाजिल नहीं किया कि तुम मुशक्कत में पड़ जाओ, मगर हर उस शख्स की नसीहत के लिए नाजिल किया है जो खौफ रखता है। ये उस जात का उतारा हुआ है जिसने जमीन और ऊंचे ऊंचे आसमान बनाए, यानी रहमान, जो अर्श पर जलवा अफरोज हुआ, जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है और जो कुछ इन दोनों के बीच में है और जो कुछ मिट्टी के नीचे है, सब उसी का है। और अगर तुम पुकार कर बात कहो तो क्या है, वो तो आहिस्ता कही हुई और निहायत पोशीदा बात तक को जानता है। अल्लाह वो माबूद बर हक है कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं है, उसके सब नाम अच्छे हैं। और क्या तुम्हें मूसा के हाल की खबर मिली है? जब उन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम यहां ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूं, शायद उसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारा लाऊं या आग के मकाम से अपना रास्ता मालूम कर सकूं।
फिर जब वो वहां पहुंचे तो आवाज आई कि ऐ मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपने जूते उतार दो, तुम यहां पाक मैदान यानी तुआ में हो और मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे सुनो। बेशक मैं ही अल्लाह हूं, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत किया करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। कयामत यकीनन आने वाली है, मैं चाहता हूं कि उसके वक्त को पोशीदा रखूं ताकि हर शख्स जो कोशिश करे उसका बदला पाए, तो जो शख्स उस पर ईमान नहीं रखता और अपनी ख्वाहिश के पीछे चलता है कहीं तुमको उसके यकीन से रोक न दे तो उस सूरत में तुम हलाक हो जाओ। और ऐ मूसा, ये तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, यह मेरी लाठी है, इस पर मैं टेक लगाता हूं और इससे अपनी बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूं और इसमें मेरे और भी कई फायदे हैं। फरमाया कि मूसा इसे जमीन पर डाल दो, तो उन्होंने उसको डाल दिया और वो यकायक सांप बनकर दौड़ने लगा। फरमाया कि इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसको अभी इसकी पहली हालत पर लौटा देंगे, और अपना हाथ अपनी बगल में दबा लो कि वो किसी ऐब और बीमारी के बगैर सफेद चमकता दमकता निकलेगा। ये दूसरी निशानी है ताकि हम तुम्हें अपने बड़े बड़े निशानात दिखाएं। तुम फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है। कहा, ऐ मेरे परवरदिगार, इस काम के लिए मेरा सीना खोल दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी जबान की गिरह खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ ले, और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा, यानी मेरे भाई हारून को, उससे मेरी कमर को मजबूत कर और उसे मेरे काम में शरीक कर ताकि हम तेरी बहुत सी तस्बीह करें और तुझे कसरत से याद करें, तू हमको हर हाल में देख रहा है। फरमाया, मूसा तुम्हारी दुआ कबूल की गई और हमने तुम पर एक बार और भी एहसान किया था जब हमने तुम्हारी वालिदा को इल्हाम किया था जो तुम्हें बताया जाता है, वो ये था कि इसे यानी मूसा को संदूक में रखो, फिर इस संदूक को दरिया में डाल दो तो दरिया उसको किनारे पर डाल देगा और मेरा और इसका दुश्मन इसे उठा लेगा। और मूसा, मैंने तुम पर अपनी तरफ से मोहब्बत डाल दी और इसलिए कि तुम मेरे सामने परवरिश पाओ। जब तुम्हारी बहन वहां फिरौन के यहां गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें उसका पता दूं जो इसको पाले पोसे, तो इस तरीके से हमने तुमको तुम्हारी मां के पास पहुंचा दिया ताकि उनकी आंखें ठंडी हों और वो रंज ना करें, और तुमने एक शख्स को मार डाला था तो हमने तुमको गम से नजात दी, और हमने तुम्हारी कई बार आजमाइश की, फिर तुम कई साल अहले मदीन में ठहरे रहे, फिर ऐ मूसा तुम एक अंदाजे पर आ पहुंचे और मैंने तुमको अपने काम के लिए बनाया है, तो तुम और तुम्हारा भाई दोनों हमारी निशानियां लेकर जाओ और मेरी याद में सुस्ती ना करना। दोनों फिरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है और उससे नरमी से बात करना, शायद वो गौर करे या डर जाए। दोनों कहने लगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, हमें खौफ है कि वो हम पर ज्यादती करने लगे या ज्यादा सरकश हो जाए। अल्लाह ने फरमाया कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं कि सुनता और देखता हूं। अच्छा, तो उसके पास जाओ और कहो कि हम आपके परवरदिगार के भेजे हुए हैं, तो बनी इसराइल को हमारे साथ जाने की इजाजत दीजिए और उन्हें अजाब न कीजिए। हम आपके पास आपके परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आए हैं, और जो हिदायत की बात माने उसको सलामती हो। हमारी तरफ ये वही आई है कि जो झुटलाए और मुंह फेरे उसके लिए अजाब तैयार है। गरज मूसा और हारून फिरौन के पास गए, उसने कहा कि मूसा, तुम्हारा परवरदिगार कौन है? कहा कि हमारा परवरदिगार वो है जिसने हर चीज को उसकी शक्ल सूरत बख्शी फिर राह दिखाई। कहा, तो पहली कौमों का क्या हाल हुआ? फरमाया कि उनका इल्म मेरे परवरदिगार को है जो किताब में लिखा हुआ है। मेरा परवरदिगार न चूकता है न भूलता है। वो वही तो है जिसने तुम लोगों के लिए जमीन को फर्श बनाया और उसमें तुम्हारे लिए रस्ते बना दिए और आसमान से पानी बरसाया, फिर उससे मुख्तलिफ नबातात पैदा की कि खुद भी खाओ और अपने मवेशियों को भी चराओ। बेशक इन बातों में अक्ल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। इसी जमीन से हमने तुमको पैदा किया और इसी में हम तुम्हें लौटाएंगे और इसी से हम तुम्हें दूसरी दफा निकालेंगे। और हमने फिरौन को अपनी सब निशानियां दिखाई मगर वो तकजीब और इनकार ही करता रहा। कहने लगा कि मूसा, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि अपने जादू के जोर से हमें हमारे मुल्क से निकाल दो? तो हम भी तुम्हारे मुकाबिल ऐसा ही जादू लाएंगे, तो हमारे और अपने दरमियान एक वक्त मुकर्रर कर लो कि न तो हम उसके खिलाफ करें और न तुम, और यह मुकाबला एक हमवार मैदान में होगा। मूसा ने कहा कि आपके लिए यौम-ए-ज़ीनत का वादा है,
और ये कि लोग उस रोज दिन चढ़े इकट्ठे हो जाएं। तो फिरौन लौट गया और अपने सामान जमा करके फिर आया। मूसा ने उन जादूगरों से कहा कि ये तुम्हारी बर्बादी होगी, अल्लाह पर झूठ ना बांधो, वो तुम्हें अजाब से फना कर देगा, और जिसने झूठ बांधा वो नामुराद रहा। तो वो बाहम अपने मामले में झगड़ने और चुपके चुपके सरगोशी करने लगे। कहने लगे, ये दोनों जादूगर हैं, चाहते हैं कि अपने जादू के जोर से तुमको तुम्हारे मुल्क से निकाल दें और तुम्हारे बेहतरीन मजहब को नाबूद कर दें। तो तुम जादू का सामान इकट्ठा कर लो और फिर कितार बांध कर आओ। आज जो गालिब रहा वही कामयाब हुआ। जादूगर बोले कि मूसा, या तो तुम अपनी चीज डालो या हम अपनी चीजें पहले डालते हैं। मूसा ने कहा, बल्कि तुम ही पहले डालो। जब उन्होंने चीजें डाली तो यकायक उनकी रस्सियां और लाठियां मूसा के ख्याल में ऐसी आने लगी कि वो मैदान में इधर उधर दौड़ रही हैं। उस वक्त मूसा ने अपने दिल में खौफ महसूस किया। हमने कहा, खौफ ना करो, बिला शुबा तुम ही गालिब रहोगे, और जो चीज यानी लाठी तुम्हारे दाहिने हाथ में है उसे डाल दो कि जो कुछ उन्होंने बनाया है उसको वो निगल जाएगी। जो कुछ उन्होंने बनाया है ये तो जादूगरों के हथकंडे हैं, और जादूगर जहां भी जाए कामयाब नहीं होगा। इस पर जादूगर सजदे में गिर पड़े, कहने लगे कि हम मूसा और हारून के परवरदिगार पर ईमान लाए। फिरौन बोला कि पेशतर इसके कि मैं तुम्हें इजाजत दूं तुम इस पर ईमान ले आए, बेशक ये तुम्हारा बड़ा यानी उस्ताद है जिसने तुमको जादू सिखाया है, सो मैं तुम्हारे हाथ और पांव मुखालिफ समत से कटवा दूंगा और तुमको खजूरों के तनों पर सूली चढ़वा दूंगा, और तुमको मालूम होगा कि हम में से किसका अजाब ज्यादा सख्त और देर तक रहने वाला है। उन्होंने कहा कि जो दलाइल हमारे पास आ गए हैं उन पर और जिसने हमको पैदा किया है उस पर हम आपको हरगिज तरजीह नहीं देंगे, तो आपको जो हुक्म देना हो दे दीजिए, और आप जो हुक्म दे सकते हैं वो सिर्फ इसी दुनिया की जिंदगी में दे सकते हैं। हम तो अपने परवरदिगार पर ईमान ले आए ताकि वो हमारे गुनाहों को मुआफ करे, और उसे भी जो आपने हमसे जबरदस्ती जादू कराया, और अल्लाह सबसे अच्छा है और हमेशा बाकी रहने वाला है। जो शख्स अपने परवरदिगार के पास गुनाहगार होकर आएगा तो उसके लिए जहन्नम है जिसमें न वो मरेगा न जिएगा, और जो उसके रूबरू ईमानदार होकर आएगा और अमल भी नेक किए होंगे तो ऐसे लोगों के लिए ऊंचे ऊंचे दर्जे हैं, यानी हमेशा रहने के बाग जिनके नीचे नहरें बह रही हैं हमेशा उनमें रहेंगे, और ये उस शख्स का बदला है जो पाक हुआ। और हमने मूसा की तरफ वही भेजी कि हमारे बंदों को रातों रात निकाल ले जाओ, फिर उनके लिए समंदर में लाठी मारकर खुश्क रास्ता बना दो, फिर तुमको न फिरौन के आ पकड़ने का खौफ होगा और न गर्क होने का डर। फिर फिरौन ने अपने लश्करों के साथ उनका ताकुब किया तो समंदर की मौजों ने उन पर चढ़कर उन्हें ढांक लिया यानी डुबो दिया, और फिरौन ने अपनी कौम को गुमराह कर दिया और सीधे रास्ते पर न डाला। ऐ आले याकूब, हमने तुमको तुम्हारे दुश्मन से नजात दी और तौरात देने के लिए तुमसे कोहे तूर की दाहिनी जानिब मुकर्रर की, और तुम पर मन और सलवा नाजिल किया, और हुक्म दिया कि जो पाकीजा चीजें हमने तुमको दी हैं उनको खाओ और उसमें हद से न निकलना, वरना तुम पर मेरा गजब नाजिल होगा, और जिस पर मेरा गजब नाजिल हुआ वो हलाक हो गया। और जो तौबा करे और ईमान लाए और अमल नेक करे फिर सीधे रास्ते चले उसको मैं बख्श देने वाला हूं। और ए मूसा, तुमने अपनी कौम से आगे चले आने में क्यों जल्दी की? कहा, वो मेरे पीछे आ रहे हैं। और ए मेरे परवरदिगार, मैंने तेरी तरफ आने की जल्दी इसलिए की कि तू खुश हो जाए। फरमाया कि हमने तुम्हारी कौम को तुम्हारे बाद आजमाइश में डाल दिया है और सामरी ने उनको बहका दिया है। और मूसा गुस्से और गम की हालत में अपनी कौम के पास वापस आए और कहने लगे कि ए कौम, क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमसे अच्छा वादा नहीं किया था? क्या मेरी जुदाई की मुद्दत तुम्हें लंबी मालूम हुई, या तुमने ये चाहा कि तुम पर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से गजब नाजिल हो और इसलिए तुमने मुझसे जो वादा किया था उसके खिलाफ किया? वो कहने लगे कि हमने अपने इख्तियार से आपसे वादा खिलाफी नहीं की, लेकिन हम उन लोगों के जेवरों का बोझ उठाए हुए थे, फिर हमने उसको आग में डाल दिया और इसी तरह सामरी ने डाल दिया, तो उसने उनके लिए एक बछड़ा बना दिया यानी एक बेजान जिस्म जिसमें गाय की सी आवाज थी। तो लोग कहने लगे कि यही तुम्हारा माबूद है और यही मूसा का माबूद है, मगर वो भूल गए हैं। तो क्या ये लोग नहीं देखते कि वो उनकी किसी बात का जवाब नहीं देता
और न उनके नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखता है। और हारून ने उनसे पहले ही कह दिया था कि लोगों, इसके जरिए तुम्हें फितने में डाल दिया गया है और तुम्हारा परवरदिगार तो रहमान ही है, तो मेरी पैरवी करो और मेरा कहा मानो। वो कहने लगे कि जब तक मूसा हमारे पास वापस ना आए हम तो इसकी पूजा पर कायम रहेंगे। फिर मूसा ने हारून से कहा कि ए हारून, जब तुमने उनको देखा था कि गुमराह हो गए हैं तो तुमको किस चीज ने रोका था, यानी इस बात से कि तुम मेरे पीछे चले आओ, भला तुमने मेरे हुक्म के खिलाफ क्यों किया? कहने लगे कि ए मां जाए, मेरी दाढ़ी और सर के बालों को न पकड़िए, मैं तो इससे डरा कि आप ये ना कहें कि तुमने बनी इसराइल में तफरका डाल दिया और मेरी बात को मलहूज ना रखा। मूसा ने फरमाया तो ए सामरी, तेरा क्या हाल है? उसने कहा कि मैंने ऐसी चीज देखी जो औरों ने नहीं देखी, तो मैंने फरिश्ते के नक्शे पा से मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली, फिर उसको बछड़े के जिस्म में डाल दिया और मुझे मेरे जी ने इस काम को अच्छा बताया। मूसा ने कहा जा, तुझको दुनिया की जिंदगी में यह सजा है कि कहता रहे कि मुझको हाथ ना लगाना, और तेरे लिए एक और वादा है यानी अजाब का, जो तुझसे टल ना सकेगा, और जिस माबूद की पूजा पर तू जमा हुआ था उसको देख, हम उसे जला देंगे, फिर उसकी राख को उड़ाकर दरिया में बखेर देंगे। तुम्हारा माबूद तो अल्लाह ही है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं, उसका इल्म हर चीज पर मुहीत है। इस तरह हम तुमसे वो हालात बयान करते हैं जो गुजर चुके हैं, और हमने तुम्हें अपने पास से नसीहत की किताब अता फरमाई है। जो शख्स इससे मुंह फेरेगा वो कयामत के दिन गुनाह का बोझ उठाएगा, ऐसे लोग हमेशा इस अजाब में मुब्तला रहेंगे, और ये बोझ कयामत के रोज उनके लिए बुरा होगा। जिस रोज सूर फूंका जाएगा और हम गुनाहगारों को यूं इकट्ठा करेंगे कि उनकी आंखें नीली नीली होंगी, तो वो आपस में आहिस्ता आहिस्ता कहेंगे कि तुम दुनिया में सिर्फ 10 ही दिन रहे हो, जो बातें ये करेंगे हम खूब जानते हैं। उस वक्त उनमें सबसे अच्छी राह वाला यानी आकिल होशमंद कहेगा कि नहीं, बल्कि सिर्फ एक ही रोज ठहरे हो। और ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग तुमसे पहाड़ों के बारे में दरियाफ्त करते हैं, कह दो कि मेरा रब उनको राख बनाकर बखेर देगा, फिर जमीन को हमवार मैदान कर छोड़ेगा जिसमें तुम कोई नशेब फराज न देखोगे। उस रोज लोग पुकारने वाले के पीछे चलेंगे और उसकी पैरवी से इनहिराफ न कर सकेंगे, और रहमान के सामने आवाजें पस्त हो जाएंगी, तो तुम एक हल्की आवाज के सिवा कोई आवाज न सुनोगे। उस रोज किसी की सिफारिश कुछ फायदा न देगी मगर उस शख्स की जिसे रहमान इजाजत दे और उसकी बात को पसंद फरमाए। जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है वो उसको जानता है, और वो अपने इल्म से अल्लाह के इल्म का इहाता नहीं कर सकती। और उस जिंदा व कायम के रूबरू मुंह लटक जाएंगे, और जिसने जुल्म का बोझ उठाया वो नामुराद रहा, और जो नेक काम करेगा और मोमिन भी होगा तो उसको न जुल्म का खौफ होगा और न नुकसान का। और हमने इसको इसी तरह का कुरान अरबी नाजिल किया है और इसमें तरह तरह के डरावे बयान कर दिए हैं ताकि लोग परहेजगार बने या अल्लाह उनके लिए नसीहत पैदा कर दे। तो अल्लाह जो सच्चा बादशाह है आली कद्र है, और कुरान की वही जो तुम्हारी तरफ भेजी जाती है उसके पूरा होने से पहले कुरान के पढ़ने में जल्दी न किया करो, और दुआ करो कि मेरे परवरदिगार मुझे और ज्यादा इल्म दे। और हमने पहले आदम से अहद लिया था मगर वो उसे भूल गए, और हमने उनमें इरादे की पुख्तगी न पाई। और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम के आगे सजदा करो तो सब सजदे में गिर पड़े मगर इबलीस ने इनकार किया। इस पर हमने फरमाया कि आदम, ये तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का दुश्मन है, तो ये कहीं तुम दोनों को बहिश्त से न निकलवा दे, फिर तुम तकलीफ में पड़ जाओ। यहां तुमको ये आसाइश है कि न भूखे रहो न नंगे, और ये कि न प्यासे रहो और न धूप खाओ। फिर शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला और कहा कि आदम, भला मैं तुमको ऐसा दरख्त बताऊं जो हमेशा की जिंदगी का बायस हो और ऐसी बादशाहत के कभी जायल ना हो। सो दोनों ने उस दरख्त का फल खा लिया तो उन पर उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं और वो अपने ऊपर बहिश्त के पत्ते चिपकाने लगे, और आदम ने अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ किया तो वो अपने मकसद से बेराह हो गए। फिर उनके परवरदिगार ने उनको नवाजा तो उन पर मेहरबानी से तवज्जो फरमाई और सीधी राह बताई, फरमाया कि तुम दोनों यहां से नीचे उतर जाओ, तुम में बाज के दुश्मन होंगे, फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास हिदायत आए तो जो शख्स मेरी हिदायत की पैरवी करेगा वो ना गुमराह होगा और ना तकलीफ में पड़ेगा,
और जो मेरी नसीहत से मुंह फेरेगा उसकी जिंदगी तंग हो जाएगी और कयामत को हम उसे अंधा करके उठाएंगे। वो कहेगा कि मेरे परवरदिगार तूने मुझे अंधा करके क्यों उठाया, मैं तो देखता भालता था। अल्लाह फरमाएगा कि ऐसा ही चाहिए था, तेरे पास हमारी आयतें आईं तो तूने उनको भुला दिया, इसी तरह आज हम तुझको भुला देंगे। और जो शख्स हद से निकल जाए और अपने परवरदिगार की आयतों पर ईमान न लाए हम उसको ऐसा ही बदला देते हैं और आखिरत का अजाब बहुत सख्त और हमेशा बाकी रहने वाला है। तो क्या ये बात इन लोगों के लिए मूजिबे हिदायत न हुई कि हम इनसे पहले बहुत से फिरकों को हलाक कर चुके हैं जिनके रहने के मकामात में ये चलते फिरते हैं। अक्ल वालों के लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। और अगर एक बात तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से पहले सादिर और जजाए आमाल के लिए एक मियाद मुकर्रर न हो चुकी होती तो नुजूल अजाब लाजिम हो जाता। बस जो कुछ ये बकवास करते हैं उस पर सब्र करो और सूरज के निकलने से पहले और उसके गुरूब होने से पहले अपने परवरदिगार की तस्बीह और तहमीद किया करो और रात की कुछ घड़ियों में भी उसकी तस्बीह किया करो और दिन के मुख्तलिफ औकात यानी दोपहर के वक्त भी, ताकि तुम खुश हो जाओ। और कई तरह के लोगों को जो हमने दुनिया की जिंदगी में आराइश की चीजों से नवाजा है ताकि उनकी आजमाइश करें, उन पर निगाह न करना। और तुम्हारे परवरदिगार की अता फरमाई हुई रोजी बहुत बेहतर और बाकी रहने वाली है। और अपने घर वालों को नमाज का हुक्म करो और उस पर कायम रहो। हम तुमसे रोजी के खास्तगार नहीं बल्कि तुम्हें हम रोजी देते हैं और नेक अंजाम अहले तकवा का है। और कहते हैं कि ये पैगंबर अपने परवरदिगार की तरफ से हमारे पास कोई निशानी क्यों नहीं लाए, क्या इनके पास पहली किताबों की निशानी नहीं आई? और अगर हम इनको पैगंबर के भेजने से पेशतर किसी अजाब से हलाक कर देते तो ये कहते कि ऐ हमारे परवरदिगार तूने हमारी तरफ कोई पैगंबर क्यों ना भेजा कि हम जलील और रुस्वा होने से पहले तेरे अहकाम की पैरवी करते। कह दो कि सब नताइज आमाल के मुंतजिर हैं, सो तुम भी मुंतजिर रहो, अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि दीन के सीधे रस्ते पर चलने वाले कौन हैं और जन्नत की तरफ राह पाने वाले कौन हैं, हम या तुम।